बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, धनक चैनल की तरफ से खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बनाएंगे फ्रूट कस्टर्ड और जेली। तो इसका जो बनाने का तरीका है, जो रेसिपी है, वो तो सेम ही है जिस तरह हम पहले बना चुके हैं। सिर्फ इसको डेकोरेट करने के लिए थोड़ा सा स्टाइल चेंज किया है। तो उम्मीद है कि आपको ये नया स्टाइल पसंद आएगा। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी, फ्रूट कस्टर्ड और जेली। फ्रूट कस्टर्ड और जेली बनाने के लिए ये मैंने 1/2 लीटर दूध लिया है, और ये 2 टेबलस्पून चीनी, और ये रफान वालों का वनीला फ्लेवर में कस्टर्ड। आपको जो फ्लेवर पसंद हो आप वो ले सकते हैं। और उसके अलावा ये मैंने रफान वालों की जेली ली है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, और साथ में थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी और बनाना। तो आपको जो फ्रूट पसंद हो आप वो ले लें, या जो आपको उस टाइम मिल सकता हो वो ले लें। ये दूध को हमने उबलने के लिए रख दिया। ये 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर, और इसमें अब हम थोड़ा सा दूध शामिल कर लेते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना कि कोई गुठली ना रह जाए इसके अंदर। दूध जो है अच्छे से गर्म हो गया। अब इसमें हम ये चीनी शामिल कर देते हैं ताकि ये भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। जी, चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है। तो चीनी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालनी है, कम या ज्यादा कर सकते हैं आप। तो अब इसमें हमने जो कस्टर्ड पाउडर और दूध मिक्स किया था वो डाल देते हैं। ये देखें, गाढ़ा होना शुरू हो गया, लेकिन अभी इसको हमने मुसलसल चलाते रहना ताकि कोई गुठली ना बने। ये देखें कस्टर्ड जो है वो तैयार हो गया। अब हम इसको उतार लेते हैं। ये 1 कप पानी ले लिया हमने, इसको अभी गर्म होने देते हैं, फिर इसमें जेली शामिल करते हैं। ये देखिए पानी जो है वो पकने लग गया। बस इसको अच्छे से मिक्स होने देना हमने। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है जेली। अब इसको उतार लेते हैं। जी, ये मैंने बनाना जो है काट लिया, और स्ट्रॉबेरी को अभी मैंने नहीं काटा। तो अब हम इसमें 2-3 तरीकों से रखेंगे। ये देखिए, एक प्लेट लेके उसमें हमने ये गिलास इस तरीके से रख लिया, और एक गिलास को हम सीधा रखेंगे, और एक ये प्याली लेंगे हम। ये अब हमने 3 स्टाइल से इसको डेकोरेट करना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको चम्मच की सपोर्ट दे के थोड़ा सा अटका दिए। ये देखिए, तीसरे ग्लास के अंदर मैंने इस तरह से बनाना रख दिया। अब इसमें हम जेली डाल देते हैं। इन्हों को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि जो जेली है वो अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए, जेली जो है अच्छे से सेट हो गई है। अब इस पे हम कस्टर्ड डालते जाते हैं। जो ये ग्लास है इस पे अभी हमने एक लेयर जेली की लगानी है, और उसके ऊपर फिर बाकी कस्टर्ड लगाएंगे।
और जो ये ग्लास है अगर इसको हम इस तरह से सीधा करेंगे तो जेली सारी जो है अंदर हो जाएगी, तो इसमें हम इसी तरीके से कस्टर्ड डाल लेते हैं। जी इस तरह से अभी इसको थोड़ी देर हम सेट होने देते हैं, फिर उसके ऊपर हम ये फ्रूट लगाएंगे बाकी। ये देखें इस ग्लास पे जो है कस्टर्ड वो सेट हो गई है, तो अब इसमें हम बाकी जेली डाल देते हैं। ये देखें जेली के ऊपर हमने केले डाल दिए और उसके ऊपर कस्टर्ड डाल देते हैं। जी ये देखें कस्टर्ड रख हो गया इस पे, अब इसको हम 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं। जी नाज़रीन ये देखें हमारी जो फ्रूट कस्टर्ड और जेली जो है वो तैयार है, और उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप भी ट्राई करेंगे। तो इसके साथ ही अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, तो जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।